रोटरी क्लब के सौजन्य से शुक्रवार को गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में अत्याधुनिक मशीन कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड एवं F30 एक्सरे मशीन को स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया तथा रोटरी क्लब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में ही पहला अति आधुनिक ICU की स्थापना की गई थी। यहां स्थापित दोनों मशीनें पूर्वांचल के लोगों को लाभ पहुंचाएंगी, जिसके संबंध में रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कमलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रोटरी क्लब के सौजन्य से गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में अत्याधुनिक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड एवं F30 एक्सरे मशीन को स्थापित किया गया है, जिसकी लागत 1 करोड़ है। उन्होंने बताया कि यह गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका लाभ यहां के नागरिक उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सभी सुविधाएं उपलब्ध हों और प्रयास है कि ऐसा कार्य आगे भी रोटरी क्लब करता रहे। उन्होंने बताया कि मानव सेवा के लिए तथा स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, चिकित्सा के लिए रोटरी क्लब हमेशा आगे आकर मदद करता है और आगे भी करता रहेगा। गौरतलब है कि गुरु गोरक्षनाथ हॉस्पिटल में स्थापित इस अल्ट्रासाउंड मशीन में 4D फाइब्रोसिस स्कैन इलास्टोग्राफी की सुविधा है, जिससे फैटी लिवर व सिरोसिस का भी पता प्राथमिक दौर में ही चल जाता है। गर्भस्थ शिशु के अंगों का पूरा विवरण जैसे हृदय गति, किडनी व लीवर की संपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकती है। एक्सरे मशीन भी अत्याधुनिक है, इससे प्रारंभिक दौर में ही फेफड़े की सिकुड़न पकड़ में आ जाती है, मात्र 1 मिनट में एक्सरे हो जाता है। अन्य मशीनों में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इससे पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, खासकर गंभीर मरीजों के इलाज में आसानी हो जाएगी। इस अवसर पर प्रोफेसर UP सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SP सिटी सोनम कुमार, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, रोटरी क्लब के अध्यक्ष अरविंद विक्रम चौधरी, सचिव मनीष जायसवाल, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित चिकित्सालय के अन्य चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कमलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आपको गुस्सा ही हो रहा है।
जांच करा करके उनके ऑपरेशन भी संपन्न होते थे।
और एक सफलतम कार्यक्रम ये लंबे समय तक चला और समय इस पूरे कार्यक्रम के साथ रोटरी क्लब जोड़ने वाला पहला संगठन था, पहली संस्था थी जिसने एक मोबाइल मेडिकल वैन से गोरखनाथ चिकित्सालय को उपलब्ध करवा करके इस कार्यक्रम को एक नई गति देने का कार्य किया था। जो अनुभव मैंने यहाँ पर गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के चिकित्सकों के साथ यहाँ पर देखा जाना, आज पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि विगत वर्ष हम लोगों ने 2 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में आरोग्य मेलों का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया था। बाद में कोरोना के कारण हम लोगों को अपने आरोग्य मेलों के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। फिर से हम लोगों ने पिछले रविवार से इसके शुभारंभ इसको शुरुआत किया। आश्चर्य करेंगे कि प्रदेश के अंदर एक दिन में पिछले जो स्वास्थ्य में आरोग्य मेला जो हमारा आयोजित हुआ था उसमें लगभग 3.25 लाख मरीज एक दिन में स्वास्थ्य व आरोग्य मेला से लाभान्वित हुए थे। और मेरा अनुमान है कि जैसे जैसे कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे ये संख्या बढ़ती भी दिखाई देगी और लोगों की आवश्यकता, ऐसे भी हम लोग ये मानते चलते हैं कि ये जनवरी के बाद से जब हमें कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो ये हेल्दी सीजन माना जाता है, लेकिन जब हम अप्रैल के बाद जैसे ही जैसे आगे बढ़ेंगे तो नजदीकी केंद्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो इसमें उस मोबाइल मेडिकल वैन का बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे याद है जब 2003 में भारत सरकार ने प्रत्येक संसदीय सीट के लिए एक एक स्वास्थ्य मेला आयोजित करने की बात कही थी तो उस समय तो सबसे सफलतम आरोग्य मेला था, स्वास्थ्य मेला था, वो गोरखपुर का था जिसमें गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और रोटरी क्लब ने मिलकर के उस मेले को यहाँ पर आयोजित करने का अपना योगदान दिया। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय वास्तव में सही, सस्ती और विश्वसनीय चिकित्सा सेवा का एक उत्तम केंद्र बनकर के विगत 18 वर्षों में सामने आया है। हमारी सेवाएं जन विश्वास का प्रतीक कैसे बन सकती हैं और खासतौर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य किए जाने चाहिए वह विशुद्ध व्यवसायिक न होकर के उसके पीछे मानवीय कल्याण का भाव भी निहित हो तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और ये चुनौती आज के समय में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बनी हुई है, लेकिन सेतर गोरखनाथ चिकित्सालय ने पिछले 18 वर्षों के दौरान बिना किसी तामझाम के, बिना किसी प्रदर्शन के बहुत शांत भाव के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर इस चिकित्सालय के माध्यम से उस उत्तम व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज इसका परिणाम है यहाँ पे एक एक सेवाएं बढ़ती गई। मुझे याद है जब हमें यहाँ पे प्रारंभ में 2002-03 में चिकित्सालय खुलने प्रारंभ होने की बात चल रही थी तो 4-5 विभाग यहाँ पे संचालित हो पाए थे, धीरे धीरे करके एक बढ़ता गया। ब्लड बैंक जिसे आज प्रदेश के प्रतिष्ठित ब्लड बैंकों में एक माना जाता है, इस ब्लड बैंक को मुझे याद है 2005 में जब हम इसका शुभारंभ कर रहे थे उस समय गोरखपुर की स्थिति क्या थी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के बहुत सारे मानक गोरखनाथ चिकित्सालय ने स्थापित किए, गोरखनाथ चिकित्सालय से जुड़े हुए चिकित्सकों ने स्थापित किए, जैसे ब्लड बैंक है,
ब्लड कंपोनेंट यूनिट लगनी है, एप्रेसिस मशीन यहाँ पे स्थापित होनी है। कैसे हम एक आम जन के लिए सही और सस्ती विश्वसनीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। हम जब भी एक नई सेवा को प्रारंभ करते थे, प्रारंभ करने के पहले लोग उस पर प्रश्न लगाने का प्रयास करते थे कि ये काम अपयश का कारण बनेगा। मैंने कहा कि जब हम लोग सद्भाव से करना चाहते हैं तो फिर कहां से दुर्भाव यहां से आएगा। और मुझे लगा कि जब भी हम करते थे तो उसकी सफलता उतने ढंग से अच्छे ढंग से सामने आती थी। ब्लड बैंक स्थापित हुआ, उसने सेवा देने प्रारंभ की, ब्लड कॉम्पोनेंट यूनिट लगी, उसने यहाँ पर डेंगू से पीड़ित लोगों को सेवा देने प्रारंभ की, बेहतरीन सेवा दी। यहाँ पे एप्रेसिस मशीन लगी, उसने बेहतरीन सेवा दी। और भी उसमें नए नए परिवर्तन होते हुए दिखाई दिए। आईसीयू, मुझे याद है जब गोरखपुर जिला चिकित्सालय के हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर ए के गुप्ता की मृत्यु हुई थी, जिला चिकित्सालय के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे, लेकिन 2003-04 की घटना है जब गोरखपुर में कोई आईसीयू नहीं था और आईसीयू न होने के नाते समय पर उनको स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने के कारण उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। उस समय हम लोगों ने तब संकल्प लिया कि नहीं, हमें आईसीयू प्रारंभ करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते थे कि देखिए इसके बहुत खराब रिजल्ट हैं और यस और अपयस, हमने कहा यस और अपयस इसमें नहीं पड़ना है। अगर इससे मानव कल्याण का एक भी व्यक्ति की जान हम बचाने में इससे सफल हो जाते हैं तो हमारा प्रयास सफल होगा। और हम लोगों ने गोरखनाथ चिकित्सालय में आईसीयू की स्थापना की और मुझे लगता है कि बेहतरीन परिणाम इसने दिया। आज मुझे लगता है गोरखपुर में कई आईसीयू, गोरखपुर में डायलिसिस की सुविधा होनी चाहिए। यह भी शुरुआत गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय ने की। हमारे एक चिकित्सक रिस्क लेते, अच्छे टेक्नीशियन आते थे, उसकी ट्रेनिंग लेते थे और फिर उसको यहाँ पे लागू कर देते थे और फिर उसकी देखा देखी हर एक स्तर पर लोगों ने रिस्क लेना प्रारंभ किया, जिससे आज गोरखपुर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के सेवाओं के एक हब के रूप में विकसित होता हुआ रखा है। इस सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम और जीवन में अगर हम लोग रिस्क देने के आदि नहीं है तो याद रखना, लकीर का फकीर बनने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में नए मानक नहीं कर सकता। और पीछे जा, रोटेरियन के श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3120। आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा कार्यक्रम था, जो रोटरी क्लब गोरखपुर ने जो 75 साल का इतिहास हो चुका है और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं यहाँ पर गोरखपुर में। यहाँ पे दो मशीनें उपलब्ध कराई है, एक्सरे बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न एक्सरे मशीन है एंड 4D अल्ट्रासाउंड मशीन। ये निश्चित रूप से यहाँ के गोरखपुर के निवासियों के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मशीन से जितने भी टेस्ट हैं लेटेस्ट है मशीन बिल्कुल और सारे नए टेस्ट हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे आने वाला समय भी इस चिकित्सालय का, गोरखपुर शहर का, रोटरी क्लब गोरखपुर है, जितनी भी मदद होगी मानव सेवा के कार्य में वो करता रहेगा। ये सर, ये मशीन कितनी लागत की होगी जी? मशीन की लागत कितनी होगी? ये मशीन की लागत 1 करोड़ के आसपास है और काफ़ी कुछ मदद इसमें टोयो ने करी है, टोयो इंजीनियरिंग की मदद से, रोटरी इंटरनेशनल की मदद से, रोटरी क्लब की मदद से ये प्रदान की गई है और आगे भी इस तरह की कोशिश जारी रहेगी। जितनी भी मदद हो सकती है हॉस्पिटल के लिए, मानव सेवा के कार्य के लिए रोटरी हमेशा आगे है। कहीं भी कोई भी ज़रूरत होती है रोटरी, चाहे वो कोविड का हो, चाहे वो किसी भी बीमारी हो, स्वास्थ्य सेवाएँ हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, रोटरी बराबर